चेहरा देख लेता है उन्हीं का दीवाना हो जाता है। ऐसा भी तो कोई हो, ऐसा भी तो कोई हो जिसका चेहरा देखा जाए और उसका दीवाना बन जाए है? तो मेरे नबी का बड़ा चर्चा था। तो एक औरत, एक बिल्कुल सही बुढ़ी औरत, सोचा कि मैं मोहम्मद को देखूंगी ही नहीं, जो मैं उनकी दीवानी हो जाऊंगी, मैं इस बस्ती को छोड़ दूंगी। सारा घर का सामान जमा किया, पोटली बांधी, मगर वसन ज्यादा और उम्र बूढ़ी, ताकत थी नहीं। तो रास्ते में इंतजार कर रही थी कि कोई मजदूर आ जाए, कोई मजदूर आ जाए और मैं उसको उजरत देके इस बस्ती को छोड़ के कहीं दूर चली जाऊं। उसने देखा कि एक शख्स चला आ रहा है। अगर किसी इंसान का किसी इंसान से पैर टकरा जाता था तो जंगे शुरू हो जाती थी, किसको खून की होली खेली जाती थी और 70-70 साल तक जंगे जारी रहती थी, नस्लें खत्म हो जाती थी, मगर जंग खत्म नहीं हुआ करती थी। मगर ऐसा शख्स आया जिसने नफरतों के दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया और जब कबीलों को जो पिछड़े हुए थे सबको मिला करके एक बिस्तर पे खड़ा कर दिया, एक ही सब पे खड़ा कर दिया। वो कौन था जिसका नाम मोहम्मद है? वो कौन था जिसने नफरतों के बाजार को बंद किया? उसका नाम था मोहम्मद। वो कौन था जिसने माओ को इज्जत ना फरमाई? वो कौन था? उसका नाम मोहम्मद था। वो कौन था जिसने यतीमों को सीने से लगाया? वो कौन था? उसका नाम मोहम्मद था। वो कौन था जिसने बेटियों को रहमत बताया? वो कौन था? उसका नाम मोहम्मद था। मैं कहना चाहता हूँ एक अपने आदमी का बोल बारा कर दिया, सांप के सरों को हम दो से सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हाली बन गए, क्या नजर थी जिसने मौतों को मसीहा और रसूल अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की साथ बाबरकात थी। अब मैं आपको बताना चाहता कि उन्होंने कैसे मुर्दों को मसीहा कर दिया, अंधेरे दिनों में चराग रोशन कर दिया। वो औरत रसूल अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से नफरत, अदावत, दुश्मनी, बदसलूकियां लिए, पोटली लिए बैठी है कि कोई मजदूर आ जाए तो मैं बाहर बस्ती छोड़ के चली जाओ, न मोहम्मद को देखूंगी न मैं उनकी दीवानी बनूंगी। इतने में देखा कि एक नूरी चेहरे वाला, एक नूरी चेहरे वाला, कैसा चेहरे वाला, मरहबा सैयदी मक्की मदनी और अरबी जो लोग जाने दिला यके जब खुश रखी निस्बत निस्बत तो बनी आदम रा बरतरफ आदम आलम तुझे आली नसबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतने हसी, इतने हसी मेरे नबी हुस्न यूसुफ तमे ईसा या ते पैसा दारी आज खुबा हमादार तू तरहा दारी। बेशक इतने हसी, इतने हसीन मेरे नबी। वो आए बुढ़िया कहने लगी बेटा कहाँ जा रहे हैं? कहा माँ तू बता तेरा काम का, बेटा मैं ये बस्ती छोड़ के जाना चाहती हूँ और मेरा वसन ज्यादा है, तू ये मेरा काम कर सकेगा? मेरे नबी ने वो पोटली अपने सर पे उठाई। अभी एक दूसरे को जानते नहीं है ये मुश्किल कुशाई करने वाले पैगंबर, खुदा की कसम सर पे बोल लिया और चलते रहे। बड़ी भी बता तेरी मंजिल आ गई, तेरा ठिकाना आ गया, कहा और जाना है? फिर भी चलते रहे। फिर पूछा तेरा ठिकाना आ गया, कहा और चलना है? फिर पूछा करके तेरी मंजिल आ गई, कहा हाँ अब मंजिल आ गई। एक ठंडी सांस ली, पसीना पोंछा और कहती है अब ना मोहम्मद को देखूंगी ना मोहम्मद की हो जाऊंगी। पसीना पोंछा, मेरे नबी ने कहा माँ तेरी मंजिल मिल गई। कहा मिल गई तो काफी में जाऊं? बेटा इधर ले अपनी मजदूरी को लेकर। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे पैगंबर ने फरमाया यानी मोहम्मद अरबी ने फरमाया, ओ माँ ये कोई कीमत थी? ये कोई काम था जिसकी मैं कीमत लू? अगर कोई और भी काम हो तो मुझे बता, मैं अंजाम दे दू। बढ़िया ने जब ये किरदार देखा कि मजदूरी भी नहीं लेता और पसीना पसीना हो गया और इतनी दूर तक मेरा बोझ उठा के लाया, तो बेटा इधर तो आ, मैं तुझे एक नसीहत करती हूँ, तू भी मेरी तरह मक्के को छोड़, तू भी मेरी तरह मक्के को छोड़ दे। कहा क्यों? कहा एक मोहम्मद नाम का शख्स है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मोहम्मद नाम का शख्स है, मैंने उसके बारे में सुना है कि जो उसका चेहरा देख लेता है वो दीवाना हो जाता है।
इसलिए मैं तुझे समझा रहे, मैं उसी से बच के आ रही हूँ। बेटा जितनी जल्दी हो सके तू मक्का छोड़ दे, इसलिए तू इतना नेक है, तू इतना प्यारी है, इतना पूरा भरा है, तू हम जैसी जईफों कमजोर औरतों की मदद करता है, तो तू यतीमों की कितनी मदद करता होगा, तू गरीबों की कितनी मदद करता होगा। तो मेरे नबी ने फरमाया, वो माँ तू मोहम्मद तो जानती है, जानती तो नहीं, मैंने नाम सुना है। तो कहा अगर नहीं जानती है तो ले जान ले और पहचान ले, मेरा ही नाम मोहम्मद है, मेरा ही नाम मोहम्मद है। तो वो अपनी जुबान से कहती है, ऐ मोहम्मद तो फिर तेरे चेहरे का जादू चल गया, मैं तेरा दीवाना हो गया। ऐ मोहम्मद जैसा सुना था मैंने वैसा ही तुझे पाया है, मैं समझता था कि मोहम्मद कोई ऐसी शख्सियत करार होगा जो फितना फसाद करता होगा, जो झगड़ा करता होगा, अब जो आरोप करता होगा। ऐ मोहम्मद तू तो ऐसा है, तू तो यतीमों के भी काम आता है, गरीबों के भी काम आता है, मजदूरों के भी काम आता है। ना जाए आंसू बहाना, ना जाए दिल बनाना, तो फतह करने दिलों को वही फातह जमाना। मोहम्मद एक ऐसा शख्स है कि जो उसका चेहरा देख लेता है उन्हीं का दीवाना हो जाता है। ऐसा भी तो कोई हो, ऐसा भी तो कोई हो जिसका चेहरा देखा जाए और उसका दीवाना बन जाए है? तो मेरे नबी का बड़ा चर्चा था। तो एक औरत, एक बिल्कुल ज़ईफ बूढ़ी औरत, सोचा कि मैं मोहम्मद को देखूंगी ही नहीं, जो मैं उनकी दीवानी हो जाऊंगी, मैं इस बस्ती को छोड़ दूंगी। सारा घर का सामान जमा किया, पोटली बांधी, मगर वजन ज्यादा और उम्र बूढ़ी, ताकत थी नहीं। तो रास्ते में इंतजार कर रही थी कि कोई मजदूर आ जाए, कोई मजदूर आ जाए और मैं उसको उजरत देके इस बस्ती को छोड़ के कहीं दूर चली जाऊं। उसने देखा कि एक शख्स चला आ रहा है। क्या बात है भाई, क्या बात है? अरे आसम मामला देखा रहेगा। माँ जी कोई काम है? कहा बच्चे मोहम्मद तेरे जादू चल गया मुझ पे, मैं तेरी दीवानी हो गई है। फिर शायर की जुबान में पुकार थी, तू शाहे हो बाहा तू जाने जाना है उम्मी अल्किताब तेरा न बन सकी है। बेशक सुभान अल्लाह, बोल दो यार। न बन सकी है, न बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा तो है आपकी। न बन सकी है, न बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। ऐसा मेरा नबी है। आइए मैं आपको बताता चलूं, एक पागल औरत मदीने में रहती थी, एक पागल औरत। मैं इस्लाम की हिस्ट्री बता रहा हूँ, मैं बानी इस्लाम का करेक्टर समझा रहा हूँ। ओ कलमा पढ़ने वालों और इस्लाम के नाम पर इस्लाम को बदनाम करने वालों, आओ जरा मोहम्मद को देखो। मेरे रब ने फरमाया, लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उसवा हसना, नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना है। ना मोहम्मद का खुदा बदनाम है, ना खुदा का मोहम्मद बदनाम है, ना खुदा का भेजा हुआ मजहब इस्लाम बदनाम है। अगर है बदनाम तो इस्लाम के नाम पर इंसान बदनाम है और उसको सही बदनाम किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ जो जुआ खेलते हैं, मैं इनसे पूछूं, इस्लाम में तुमने कहीं किसी सिपाही के अंदर कहीं किसी सभा पर तुमने पढ़ा कि इस्लाम में जुआ जायज है? फिर तुम क्यों खेल रहे हो शराब? तुम बताओ कहीं इस्लाम में जायज है? फिर तुम क्यों पी रहे हो? माँ को तुम थप्पड़ मार रहे हो? बताओ कहाँ पे लिखा हुआ है? फिर तुम क्यों मार रहे हो? पड़ोस में हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, मेरे पैगंबर ने सहन दिया। पड़ोस में ऐसे बन के रहो, पड़ोस में ऐसे रहो कि अगर तुम बाहर हो बकरी दरवाजे पर बनी हो और बारिश होने लगे तो तुम इतने मुतमईन बाहर रह के रहो कि मेरी बकरी मैं नहीं हूँ मगर मेरे पड़ोसी ने छांव में बांधी होगी, मेरी बकरी पानी से ठीक नहीं रही होगी। ऐसे बन के पड़ोस में हो। मेरे नबी ने वहां जिक्र ये नहीं फरमाया कि पड़ोस मुसलमानों का होना चाहिए, पड़ोस मुल्लाओं का होना चाहिए, नहीं नहीं, मेरे नबी ने फरमाया पड़ोस ऐसा तुम्हारा हो, इंसान जहां रहते हो, इंसान या जहां हो
तुम बाहर हो जंगल में या कहीं बाहर सफर में और बकरी बाहर तुम्हारी बंदी हो, बारिश कसरत से होने लगे तो तुम इतने मुतमईन अपने पड़ोसी से रहो, हम नहीं है तो क्या हुआ, हमारा पड़ोसी तो है, हमारा पड़ोसी हमारे जानवर को महफूज जगह पहुंचा देगा। ये मेरे नबी ने फरमान किया। आइए मैं बताना चाहता हूँ, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों के साथ जा रहे हैं, एक पागल औरत मदीने की जिसके पास जाती सब जानते थे कि ये पागल है और घंटों घंटों जो है रोक के रखती है, जाने क्या क्या बोलती रहती, कोई उसकी बात नहीं सुनता, कोई उसकी बात नहीं सुनता। मेरे नबी के पास आई, पैगंबर के पास आई, कहने लगी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास हो। मेरे नबी चिल्लाती ही थी, मन बैठ खड़े हो गए और सुनते रहे, घंटों वो बातें कर रही, सहाबा उनके दोस्त पसीना पसीना है और कह रहे हैं इस पागल और की बात सुन रहे हैं, इतनी देर हो गई, घंटे गुजर गए, हम जब छाव में खड़े हैं तो पसीना पसीना है और ये धूप में खड़े होकर सुन रहे हैं। जब वो थक गई तो मेरे नबी ने पूछा, ए खातून तेरी बात पूरी हो गई? हाँ पूरी। तो मैं जाऊं? पूछने मैं जाऊं कि हाँ आप जा सकते हैं। जब मेरे नबी चल दिए, वो औरत चली गई, तो मेरे नबी के दोस्तों ने जिनको सहाबी कहते हैं, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह ये मदीने की पागल औरत है, इसकी कोई बात नहीं सुनता है, आप घंटों इसकी बात सुनते रहे, इसकी कोई नहीं सुनता। मेरे नबी ने फरमाया मोहम्मद इसीलिए दुनिया में भेजा गया है जिसकी कोई नहीं सुनता है उसकी मोहम्मद सुना करते, इसीलिए मोहम्मद दुनिया में भेजा गया, नफरतों को मिटाने के लिए मोहम्मद दुनिया में भेजा गया है, मोहब्बत के बिस्तर बिछाने के लिए मोहम्मद दुनिया में भेजा है। आगे मैं बताना चाहता हूँ, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जो है इजमा किया, एक मस्जिद की वहाँ पे दरस दिया, अपने गुलामों को समझाया, लोगों को तुम जब रास्ते से गुजरा करो तो रास्ते में अगर कांटा मिल जाया करो उसको उठा दिया करो, उसको हटा दिया करो, क्यों कहीं ऐसा ना हो तुमने तो देख लिया पीछे आने वाला ना देख पाए, ये कांटा उसके पांव में छिप जाए, इसलिए अपने आने वाले भाई के लिए भलाई किया करो। ऐसा अगर तुम करोगे तो 10 तुम्हारे पाप हो जाएंगे और 10 नेकियां तुम्हारे नाम आया अमाल में लिखी जाएगी और 10 दर्जे तुम बुलंद किए जाओगे, तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा खुदा की बारगाह में अगर ऐसा फेल करोगे। ऐसी मोहम्मद अरबी ने टीम तैयार की थी, ऐसी मोहम्मद अरबी ने कौन तैयार की थी, वाकया अरबी लिखता है एक रास्ते से एक यहूदियों का सरदार अपनी फौज को लेकर गुजरा, पैदल सफर में रहे थे, देखा के रास्ते में एक पत्थर पड़ा हुआ है, वो कौन का सरदार कहता है खैरो का क्या हुआ सरदार, कहा मुझे लगता है इस रास्ते से मुसलमान नहीं गुजरे है। देख रहे हो आज अगर कोई बात हो जाए, कहीं बम फट जाए तो यही नाम आता है, चाहे अफगानिस्तान में फटे, चाहे इराक में फटे, चाहे पाकिस्तान में फटे, चाहे हिंदुस्तान में फटे, नाम यही आता है कि मुसलमान ने फाड़ा, मगर तारीफ ये बोलती है कि वो यहूदियों का सरदार कहता है लगता है इस रास्ते से मुसलमान नहीं गुजरा। वसी ने पूछा क्यों, कहा मैंने पढ़ा है कि मोहम्मद जो मुसलमान बनाए हैं, मोहम्मद ने जो गुलाम बनाए हैं उन गुलामों को ये पैगाम दिया है, ये तरस दिया है कि जिस रास्ते से गुजरा करो पत्थर हटा दिया करो, कंकर हटा दिया करो, कांटा हटा दिया करो, तो वो कौम इस रास्ते से अभी नहीं गुजरी है, अगर गुजरी होती तो रास्ते में ये पत्थर ना पड़ा होता। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं मोहम्मद अरबी ने अपनी कौम को क्या सबक दिया था, क्या सहन दिया था, आज ये कौम किधर जा रही है, बदनामी के कमरे स्टाफ इसी के सर लगाए जा रहे हैं, इसलिए ये कौम ऐसी हो चुकी है, बेहया कौम हो चुकी है। मैं कहना चाहता हूँ अगर आपका पड़ोस कैसा भी हो मगर इंसान रहता है, उस इंसान की इंसानियत की खातिर, अपनी इंसानियत की पहचान की खातिर उसकी मदद करो ताकि वो तुम्हारी मदद। आज मामला ये है पड़ोसी पड़ोसी से महफूज नहीं है, पड़ोसी पड़ोसी से महफूज नहीं है, डर लगता है, दिल कांपता रहता है, बेटी स्कूल जाती है, मेरे पड़ोस का भी एक लड़का जाता है स्कूल, कहीं ऐसा तो नहीं है अपनी बेमानी और अपनी खूनी पंजे हमारी बेटी के जिसमें नाजुक पर काबू की कोशिश करता हूँ। आज हमारे दिलो दिमाग में ये बात भरी हुई है, ये नफरतें भरी हुई है, मगर याद रखो हम
हम जिनका जिक्र कर रहे हैं उस नबी ने ये कौम पैदा की थी, तो कहा था लोगों अगर औरत की तरफ जिसको तुम न जानते हो अगर निगाह उठ जाए तो एक बार की तो निगाह तुम्हारी माफ है, अगर फिर तुमने उसी को देखने के लिए दोबारा निगाह उठा दी तो फिर तुम पापी फैलाए जाओगे, तुम गुनाहगार फैलाए जाओगे। मैं कहना चाहता हूँ अगर मोहम्मद अरबी की इस बात को याद रखा गया होता तो नफरतों के दरवाजे बंद हो गए होते। आज अखबार उठा करके देखिएगा, आज टेलीविजन को देखिएगा कि हर जो है खबर पर ही आता इतने बड़ा कार हो। ये कौन लोग है जो आज प्रशासन का रोल अदा कर रहे हैं, ये कौन लोग है जो इज्जत के लुटेरे पर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ इन्होंने फैजान मोहम्मद को बुला दिया है, इन्होंने फरमान मोहम्मद को बुला दिया। इसलिए ये महफिल तरन्नुम के लिए नहीं सजाई जाती है, ये महफिल इसलिए सजाई जाती है कि टेढ़े दिल जिनके हैं उनके दिलों को सीधा किया जाए, उन लोगों का वसीला दे करके, उन लोगों का रास्ता दे करके जिन्होंने इंसानियत को इंसानियत के मार्ग पर चलाया, इंसानों को इंसानियत के रास्ते पर चलाया। मेरे भाइयों मैं आपको बता रहा था लगद काल रकम थी रसूल हसना तहकीक नबी की जिंदगी नमन है अमर है। एक बात और मेरी इस बात पर सुन लीजिएगा, आपके अगर कान और आपका दिमाग हाजिर है तो सुन लीजिएगा, मैं सिर्फ ये इस्लाम की हिस्ट्री बता रहा हूँ उन लोगों को जो इस्लाम में रह करके इस्लाम को नहीं जानते हैं। रिसर्च कीजिएगा, आप खोज कीजिएगा वो कौन सा मोहसिन इंसानियत है जो इंसानों के दिलों को जीत लेता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ जिनका नाम रामी इसमें रामी पहले के लोगों ने पढ़ा होगा, एक चैप्टर आता था, मैंने भी किताबों में पढ़ा, इब्तदाई किताबों इब्तदाई दर्जों में मैंने पढ़ा है, एक मोहम्मद साहब के नाम से एक चैप्टर आता था, उसमें बताया जाता था कि ये मुसलमानों के पैगंबर नहीं थे, सारी कायनात के पैगंबर है। इस्लाम चला और कैसे इस्लाम बदनाम हुआ, किसी और ने नहीं बदनाम किया है, इसको हमने ही बदनाम किया है। कौन कहता है कि हम तुमने चुराई है, ये हमारी किसी दुश्मन ने उड़ाई है, हमने इस्लाम को बदनाम किया। उन लोगों ने तो बड़ा एहतराम किया जो इसको जानते भी न थे, पहचानते भी न थे, तुमने जान करके इस्लाम को बदनाम किया।